हेलो व्यूवर्स, आप सबको नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ और कुकिंग विद सुमना में आप सबका स्वागत है। कभी कभी हमारे मन में अचानक बिरयानी खाने और बनाने की इच्छा जागती है, लेकिन बिरयानी बहुत लंबा प्रोसेस है ये सोचकर हम पीछे हट जाते हैं। तो आज मैं अपना रेसिपी में इस समस्या का समाधान लेकर आई हूँ कि आज मैं बिरयानी कुकर में बनाऊंगी और वो झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और इसका स्वाद दम बिरयानी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और एक बात, मैं अभी इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप चाहें तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए कुकर में झटपट बिरयानी बनाने की ओर झटपट बढ़ते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैं नमक मैंने यहाँ 2 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, दही 2 चम्मच और आधा नींबू का रस। और चिकन हमने यहाँ लगभग 1 किलो लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर हमें करीब आधे घंटे के लिए रखना है, और इससे अगर ज़्यादा आप रख सकें तो अच्छा। और तेल गरम हो गया है, प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। प्याज फ्राई करते समय थोड़ा सा नमक डाल दें, इससे प्याज जल्दी फ्राई होंगे और बहुत ही क्रिस्पी होंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, मैं तब तक चावल को धोकर सोक कर ले रही हूँ। 2 कप मैंने चावल लिया है, इसे मैं धोकर सोक करके रख दे रही हूँ आधे घंटे के लिए। बिरयानी के लिए जब भी आप चावल धोएं, उसे बहुत अच्छी तरह से धोते जाएं, करीब 4-5 बार, जब तक कि साफ पानी ना आ जाए। इससे बिरयानी बहुत अच्छे हमारे बनेंगे, खिले खिले एकदम। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, पर अभी भी इसे और हमें 1 मिनट फ्राई करना है। अभी तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं। और मैंने चावल को धोकर अच्छी तरह से सोक कर लिया है, और जब भी आप सोक करें, चावल में पानी कम से कम इतना सा ऊपर रहे। प्याज फ्राई हो गए हैं बिल्कुल, इसी स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और हमें प्याज को निकाल लेना है। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, अभी चिकन को पकाने की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैंने करीब 20-25 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 10 से 12 हरी मिर्च। इसे मैं बिना पानी के मिक्सी में यूँ ही मोटा दरदरा सा पीस ले रही हूँ। मैंने यहाँ ऑयल जिसमें मैंने प्याज तला था उसी को मैंने लिया है, और यहाँ मैं 2 आलू को इस तरह बीच से काट लिया है और इसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर दें। तो मैं इसे आलू को भी फ्राई कर ले रही हूँ। आलू फ्राई हो गए हैं, इसे मैं निकाल ले रही हूँ। अभी मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था, सीधे मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को मैंने मोटा जो पीस लिया उसे डाल रही हूँ। ये मैंने बिरयानी मसाला लिया है, लगभग 2 बड़ा चम्मच से डाल रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ और इसे लगभग 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। 2 चम्मच लगभग कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। फ्राई किए हुए आलू इसे मैं डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा जो हमने प्याज का बरिस्ता बनाया है ये डाल रही हूँ। हल्के हाथों से इसे मैश कर दें। 2 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर पकाते हुए, अब गैस का फ्लेम लो कर दें और इसमें दही डालें। दही मैंने मैरिनेशन के समय 2 चम्मच डाला था, और फिर अभी मैं लगभग 5 चम्मच दही डाल रही हूँ।
से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ रही हूँ लगभग 10 से 15 मिनट। जब तक चिकन पक रहे हैं तब तक मैं चावल फ्राई कर ले रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है, 4 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल में मैं ये कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, गरम मसाले, तेजपत्ता, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची। यूँ तो बिरयानी में चावल को फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं कुकर में बनाऊंगी बिरयानी जो झटपट बन जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चावल को फ्राई कर ले रही हूँ और साथ ही थोड़े गरम मसाले इसमें ऐड की हूँ ताकि चावल में अच्छी फ्लेवर आ जाए। इसमें चावल को डाल दे रही हूँ। चावल को फुल फ्लेम में ही हमें फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा नहीं, बस चावल का पानी सूख जाए इतनी देर तक हमें फ्राई करना है। बस इस स्टेज पर जब चावल थोड़े से खिले खिले दिखने लगे और उसका पानी सूख जाए तो हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। चिकन लगभग पक गए हैं, इसे हमने लगभग 70% तक कुक किया है, पूरा हमें गलाना नहीं है क्योंकि कुकर में भी ये पकेंगे इसलिए। और इसे हमें एकदम ड्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा और ग्रेवी को सुखाना है। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। वाओ, चिकन देखने में जितना ये डिलीशियस लग रहा है, यकीन मानिए इसकी खुशबू भी उतना ही बढ़िया आ रहा है। और थोड़ा सा हमें सुखाना है इसे। आपने देखा होगा चिकन में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, लेकिन जो दही डाला था उसी से चिकन हमारे पक गए हैं और इतना उसमें पानी, दही ने पानी छोड़ा था। वाओ, चिकन सच में बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। बस चिकन जब इस स्टेज पर आ जाए तो हमें गैस का फ्लेम को बंद कर देना है, इससे ज़्यादा और ड्राई हमें नहीं करना है। क्योंकि बिरयानी कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कुकर ले लिया है और इसमें नीचे 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा लें। ये जो मैंने चावल फ्राई करके रखे थे इसे मैं नीचे में एक लेग इसका डाल रही हूँ। फिर ये जो बरिस्ता फ्राई किए हुए प्याज इसे डाल रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च, चिकन को डालें। मैं यहाँ 1 ही लेयर कर रही हूँ, आप अगर चावल ज़्यादा है तो आप इसे 2 लेयर में करें, मतलब आधा आप चिकन डाल ले फिर चावल का 1 लेयर दे उसके ऊपर फिर चिकन डाल सकते हैं। क्योंकि चावल मैंने कम लिया है ना, इसलिए पूरे चिकन को ही मैं डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरह से पूरा डाल दें। और इसके ऊपर आधा जो बचे हुए चावल है उसे डालकर चिकन को पूरी तरह से कवर कर ले रही हूँ। चावल को अच्छी तरह से चारों ओर फैला दें। अब जो बचे हुए फ्राई ओनियन या बरिस्ता उसे डाल दें, हरा धनिया, हरी मिर्च। अब बारी आती है पानी। मैंने इस कप से 2 कप चावल लिया था तो पहले मैं इसमें 4 कप पानी डालूंगी और ऊपर से थोड़ा सा ये मीठा मुगलई आतर है, इसे कुछ बूंद डालें इसके, इससे बिरयानी की फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आती है। और 1 चम्मच देसी घी। पानी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ। चिकन में तो मैंने मैरिनेशन के समय नमक डाला था, पर थोड़ा सा चावल है, आलू है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा नींबू का रस ज़रूर, अगर आप नहीं डालते हैं तो इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे जो चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे और इसका टेस्ट भी उभर कर आएगा। बस हो गए, अब लीड लगाकर फुल फ्लेम पर
एक सीटी आने तक इसे पकने के लिए रख रही हूँ। कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है, चलिए अब इसे खोल कर देख लेते हैं। बिरयानी हमारी बनकर तैयार है, इसे चलिए फटाफट सर्व कर ले रही हूँ। तो लीजिए, कुकर में बिरयानी बनकर तैयार है और ये दम बिरयानी से स्वाद में बिल्कुल भी कम नहीं है। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करेंगे। और एक काम करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, वो है सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।